हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं देहरादून के बारे में। तो काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज कुछ कॉपी में जो मैंने लिखा था देहरादून के बारे में, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं देहरादून के बारे में ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एससी देहरादून में निवास करते हैं। अगर आपने उत्तराखंड में जनजाति वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सबसे कम जो एससी हैं प्रतिशत की दृष्टि से वो कहाँ हैं, देहरादून में हैं। प्राचीन नाम या उपनाम की बात करें तो देहरादून को पृथ्वीपुर, शिवभूमि, सैनिक नगर और वन नगर के नाम से जाना जाता है। और देहरादून का आकार कैसा है, दोने अर्थात द्रोण जैसा। 1817 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया और 1975 में इसे मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में मिलाया गया। अब बात कर लेते हैं देहरादून के प्रमुख संस्थान या संगठनों के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, दो संस्थान तो ये हो गए हैं। भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय वन्यजीव संस्थान, तो ये सभी संस्थान और संगठन आपको याद रखने जरूरी हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, भारतीय खान ब्यूरो और भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भू जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान, 24 फरवरी 2010 में स्थापना। पंजाबी अकादमी पूछा जा सकता है, देखो काफ़ी अलग प्रश्न बन सकता है पंजाबी अकादमी। और महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर 1988 में स्थापना। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी, और क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और राज्य अभिलेखागार। इसके अतिरिक्त कई ऐसे संस्थान और संगठन हैं जो देहरादून में स्थित हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूरे डिटेल से। अब देख लेते हैं देहरादून के प्रमुख मंदिर व दर्शनीय स्थल। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूर है गढ़ी कैंट में। फन वैली है देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर दूर। गुच्चू पानी, यहाँ रोबर्स गुफाएं हैं, और या फिर कह सकते हैं आप चोरों की गुफा, रोबर्स इंग्लिश का शब्द है, आप चोरों को गुफाएं भी याद करें क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चोरों की गुफाएं कहाँ स्थित है। सहस्त्रधारा, जहाँ पर कौन सी नदी बहती है, बाल्दी नदी बहती है, और जो यहाँ पर पानी है वो क्या है, गंधक युक्त जल है। ठीक है, बाल्दी नदी में जो पानी है उसमें क्या गंधक पाया जाता है। अगला है भागीरथी रिसोर्ट्स, ये लगभग दून से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला है मालसी डियर पार्क, और ये राज्य का पहला चिड़ियाघर बन गया है, कब, 2016 में, जबकि राज्य का द्वितीय जो चिड़ियाघर है वो गोलापार हल्द्वानी में बन रहा है। देहरादून के नवादा गांव के निकट पहाड़ी पर महारानी कर्णावती का राज भवन था। तो प्रश्न बन सकता है कि किस गांव में महारानी कर्णावती का भवन था, तो नवादा गांव। आसन बैराज को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा 1967 में विकसित किया गया। इस बैराज को धलीपुर झील भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आसन बैराज को धलीपुर झील भी कहा जाता है। देहरादून में स्थित 4 सिद्धपीठ कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लक्ष्मण सिद्धपीठ, कालू सिद्धपीठ, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भानियावाला से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, ये भुट्टी गाँव में है और ये पश्चिमी प्रेमनगर में है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चार जो ये सिद्ध हैं कहाँ स्थित हैं, तो कहाँ हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध, सभी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं देहरादून के बारे में। देहरादून के जो बौद्ध स्तूप का उद्घाटन है वो तिब्बतियों द्वारा, जो उनके धर्मगुरु थे दलाई लामा द्वारा, कब किया गया, 28 अक्टूबर 2002 में। दूसरा है देहरादून घंटाघर का जो शिलान्यास है वो 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजनी नायडू द्वारा किया गया। अगला है देहरादून दिल्ली मार्ग पर देहरादून से 7 किलोमीटर की दूरी पर सौंदर्यपूर्ण स्थान चंद्रबनी स्थित है। ध्यान रखेंगे एक चंद्रबनी है, एक चंद्रबदनी है। ठीक है, चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, और जो ये चंद्रबनी है इसे क्या है, गौतम कुंड के नाम से भी जाना जा सकता है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि गौतम कुंड कहाँ स्थित है या चंद्रबनी नामक स्थल कहाँ पर है, तो देहरादून में है ये। ठीक है, देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर, ध्यान रखेंगे चंद्रबनी, जबकि चंद्रबनी मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। जिस प्रकार से सुरकंडा मंदिर देखेंगे आप, सुरकंडा मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, जबकि सुकुंडा ताल बागेश्वर में है, तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। देहरादून स्थित जो खलंगा स्मारक है नेपाली आर्मी सेना नायक बलभद्र थापा एवं ब्रिटिश सेना के सेनापति जनरल क्लिस्पी के साहस को समर्पित है। देहरादून के जो अन्य मंदिर है, संतला देवी मंदिर, माता डाट काली मंदिर, ठीक है, ये दो मंदिर आपको
याद रखने हैं। तो बस इस वीडियो से इतना ही। समय समय पर जब भी समय मिलेगा मैं आप तक अपने वीडियो पहुंचाता रहूंगा, या नोट्स के या चंद्र वंश जो भी टॉपिक शुरू होगा इसके बाद। वैसे मैं आधुनिक भारत शुरू करने की सोच रहा हूँ, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आधुनिक भारत को शुरू करने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो आधुनिक भारत हो सके तो जल्दी शुरू कर पाऊँगा मैं, बस थोड़ा सा समय नहीं निकल पा रहा है उतना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।